हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। तो हमारा अचानक से ही प्रोग्राम बना, मतलब मॉर्निंग में प्रोग्राम बना और शाम को हम निकल भी लिए। इतनी जल्दी प्रोग्राम फिक्स हुआ हमारा। और मैं, भाई, भाभी, मम्मी, हम सब निकल लिए। और देखिए, ये हमारे मतलब गांव से निकलने का है और रात हो गई थी, मतलब हम निकले थे 7 बजे के करीब। और उसके बाद फिर एक जगह हमने रोक कर खाना खाया क्योंकि हम अपना खाना बना कर लेकर गए थे। उसके बाद फिर हम पहुँचे मथुरा, सीधे हम मथुरा गए। वहाँ पे रात काफ़ी हो गई थी, 12-1 बजे का टाइम हो चुका था। और उसके बाद फिर हमने लिया एक रूम। तो इतनी लेट ना, बस कैसा कैसा रूम मिला, तो मिल गया, एसी रूम था, सही था, मतलब बच्चे भी आराम से सो गए। लेकिन मुझे नींद नहीं आई पूरी रात, तो सब सोए हुए थे और मैं जग गई थी। क्योंकि पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब लगा मुझे, यहाँ बिल्कुल भी नींद नहीं आई, 1% भी मैं नहीं सोई। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले सोचा कि सबसे पहले रेडी हो जाती हूँ, तो मैं फटाफट नहाई और फ्रेश अप होके, और तब तक सभी उठ चुके थे, मम्मी, भाई, भाभी, सभी और बच्चे भी उठ चुके थे। और फिर सभी रेडी हो गए क्योंकि हमें जाना था कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए। और हम लोग निकल लिए और सुबह मॉर्निंग में देखो कितनी धूप हो गई, करीबन 8 बजे का टाइम था ये। और अभी से ही देखो कितनी तेज़ धूप हो गई थी क्योंकि गर्मियाँ बहुत हो रही है। और नहीं नहीं, रिक्शा लेंगे। और होटल से निकलते ही हमने ले ली रिक्शा क्योंकि हमें जाना था कृष्ण जन्मभूमि देखने के लिए। तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही था, फिर भी रिक्शा में पता नहीं कैसे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि 2 या 3 गेट हैं यहाँ से एंट्री करने के। तो ये हमें आगे वाले रास्ते से लेकर गए थे भैया। उसके बाद हमने की एंट्री और फ़ोन, पर्स वगैरह सारी चीज़ें बाहर जमा करा देते हैं। हाँ, मतलब अपने ज्वेलरी, पैसे वगैरह तो रख सकते हैं, लेकिन फ़ोन और कोई भी बैग नहीं ले सकते, बड़ा बैग, छोटा बैग ले सकते हैं, बोतल ले सकते हैं। तो मेन तो फ़ोन था क्योंकि अंदर का कुछ भी मैं कैप्चर नहीं कर पाई, तो सारी चीज़ें बाहर ही रखनी पड़ी। उसके बाद फिर हमने दर्शन किए और हम आ गए एक स्टॉल पे, तो हमने चाय पी, बच्चों ने जूस वगैरह लिया क्योंकि किसी ने कुछ भी नहीं खाया पिया था। और देखिए कितनी धूप थी, फिर भी मुझे चाय पीनी थी क्योंकि आदत हो गई है चाय पीने की, बहुत बुरी लत लग चुकी है ये। और पसीने कितने आ रहे थे इतनी धूप में, फिर भी हमें चाय पीनी थी। और उसके बाद हमारा प्लान बना कि हम पहले गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करेंगे और उसके बाद फिर कहीं होटल में रुकेंगे। तो हमने सबसे पहले जा कर के और खाना खाया, पहले खाना खा लो, लास्ट में आइसक्रीम लास्ट में खाना, ठीक है। और हमने खाने का ऑर्डर दे दिया था और हमारा खाना भी आ चुका था। तो हमने सबने पहले खाना खाया क्योंकि अभी करीबन शायद 11-11:30 का टाइम था, तो हम सबने खाना खाया सबसे पहले। तो भूख लगी आई थी काफ़ी चाय के बाद, अभी सीधा हमने खाना ही खाया। और ये हम गोवर्धन जी महाराज की जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है ना, वहीं एक होटल है, वहाँ पे खाया था। तो उसके बाद हमने ली ई रिक्शा। बोलो गोवर्धन महाराज की जय, बोलो जय। और अब हम जा रहे हैं गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने और दोपहर हो चुकी है और गाड़ी वहाँ जाएगी नहीं, इसीलिए रिक्शा से जा रहे हैं। और शुरू ही किया, अभी इतना ट्रैफिक हो गया। यश बाय कर रहा है ये गोवर्धन महाराज। ये देखिए यहाँ से शुरू होता है गोवर्धन महाराज। और अब गोल और यहाँ से पर्वत शुरू होता है गोवर्धन जी महाराज का। क्यों ना मारी तो सामने 5 मारे। की जय, पैदल लगाने वाले भी यात्री लेटे रहते, पैदल भी लगाते हैं इनकी यात्रा। ये पूरा पर्वत है, रात ने तो जगह जगह पे तो डॉक्टर बैठे रहते। राणा जी ने ना अपनी चिटली उंगली पे उठाया था इनको, याशी चिटली उंगली पे उठाया था इस पूरे पर्वत को। यहाँ पे शनि कुंड है,
शनि कुंड। चोट लग जाएगी, मैं मामा को बोल दूंगी। चलो चलो वहाँ 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 उतार देना। फ्रूटी चाहिए, फ्रूटी चाहिए, कहलाना चाहिए, ठंडक चाहिए, ठंडी ठंडी चीज चाहिए इनको, केला नहीं खानी। मनु हटिया आगे सेट, मनु आगे सेट। ये फ्रूटी पे तो चपटनी बंदरों को केला फ्रूटी वगैरह खिलाते पिलाते हम लोग पहुँचे मानसी गंगा। तो ये सब बीच में ही आते हैं, राधा कुंड, मानसी गंगा। और राधा कुंड पे हम लोग नहीं रुके क्योंकि ना वहाँ पे हमारा चुटकू बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था, तो हमने दूर से ही हाथ छोड़ लिए थे, दूर से ही दर्शन किए। और मानसी गंगा पे हमने सोचा कि यहाँ पे रुक के एक बार दर्शन कर लेते हैं, तो हमने हाथ मुँह वगैरह धोए। इसके बाद हमारी एंट्री हुई वृंदावन में, तो जो मतलब दिल को सुकून मिला, पता नहीं कैसे अचानक से मन किया, मतलब छुट्टियों में यही था कि एक बार मथुरा वृंदावन जाके आऊँ। तो राधा रानी ने हमें बुला लिया और मेरा मन ना बहुत दिनों से सिर्फ एक ही चीज़ देखने का था, निधि वन का, क्योंकि उनके दर्शन मैंने नहीं किए हैं कभी भी। तो मैं पहले आ चुकी हूँ मथुरा वृंदावन, लेकिन शादी से पहले आई थी, शादी के बाद फर्स्ट बार ही आ रही हूँ, काफ़ी साल हो गए उन बातों को। तो निधि वन मैंने तब भी नहीं देखा था, तो बहुत मन था कि मैं एक बार निधि वन को दर्शन जरूर करके आऊँ। तो शायद राधा रानी ने मेरी पुकार सुन ली और हमें बुलाया। उसके बाद हमने लिया यहाँ पे रूम, और ये रूम ना काफ़ी अच्छा था, और मतलब बहुत ही अच्छा रूम था, क्योंकि यहाँ पे मुझे नींद बहुत अच्छी आई थी उस वाले रूम में। पता नहीं क्यों, या तो बैठे बैठे हम थक गए थे, आए पूरा रास्ता तय करके आए थे, तो नींद नहीं आई। और देखिए अब हम लोग हो चुके हैं रेडी, और ये शाम का टाइम है 5 बजे का, क्योंकि हमें जाना है निधि वन के दर्शन करने। उसके बाद हम लोग निकल लिए निधि वन के दर्शन करने के लिए, और यहाँ से भी हमने ई रिक्शा ही ली और ई रिक्शा से ही हम लोग गए। तो मतलब बहुत सुकून मिल रहा था मेरे मन को। तो उसके बाद जो मेरी दिल की ख्वाहिश थी, मेरी दिल की तमन्ना थी, तो हम लोग बस वहाँ पहुँचने ही वाले थे। और सबसे पहले निधि वन में, और कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वही लोग आते हैं जिन पर राधा रानी की कृपा होती है, तो शायद राधा रानी की कृपा हम पे हुई और उन्होंने हमें बुलाया, और मैंने बहुत अच्छे से इनके दर्शन किए, सभी जितने भी मंदिर पास में थे सबके। निधि वन के बारे में तो मैंने बहुत ही सुना है कि मतलब रात को ये पेड़ पौधे जितनी भी लताएं होती है राधा रानी और उनकी सखियों का रूप लेकर कान्हा जी के साथ रास लीलाएं करती है, तो वो सब तो हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन मतलब जो है वो तो सच होगा ही कोई ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे ही बातें होती है, श्रद्धा होनी चाहिए तो सब कुछ संभव होता है। और मतलब और यहाँ पे ना बंदर बहुत थे, बहुत ही ज़्यादा बंदर थे, अचानक से आ रहे थे तो डर भी लग रहा था। और मैंने सभी जगह के दर्शन किए, और वहाँ पे ना लिखा हुआ था कि फ़ोटो वगैरह नहीं खींचनी है, तो मैंने जहाँ जहाँ लिखा हुआ था वहाँ पे कोई फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं की, लेकिन बाहर का पूरा एरिया मैंने देखा। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।